क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे क्रिप्टो हमारी डे टू डे लाइफ चेंज करने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। ओके और इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी है राइट नाउ, क्योंकि यही आगे जाके फ्यूचर बनेगा। ओके एंड अगेन बिफोर वी गो अहेड, ये कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। और हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी कोई हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, बट किसी को नहीं पता कि ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा, बट हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। ओके सो एनीवे, मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्रिप्टो हमारी ज़िंदगी चेंज करने वाला है, डे टू डे लाइफ में चेंज करने वाला है। और मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ एक करेंसी नहीं आगे जाके काम करेगी, बट मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज रहेगी। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, तो क्यों इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज। ओके सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनेट। ओके जैसे कि अगर आप 20 या 25 साल पहले जाओगे, तो अगर कोई आपको न्यूज़ देखना है, ठीक है, तो आपके पास क्या सोर्स है? टीवी ऑन करो, टीवी स्विच ऑन करो और टीवी पे क्या न्यूज़ आ रहा है वही देखो। एंटरटेनमेंट, अगर आपको कुछ मूवीज़ देखनी है या फिर कोई वीडियो देखनी है, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टीवी है आपके पास और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ नई चीज़ सीखना है, उसके लिए भी सिर्फ आपके पास टीवी ही ऑप्शन है। टीवी और मे बी रेडियोज, यही होता था पहले, राइट? मेरे को कमेंट में बताना अगर मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट आया। ओके अब इंटरनेट ने क्या किया, इंटरनेट ने जो ये इंफॉर्मेशन है उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो कहने का मतलब क्या था, पहले हमको जो भी इंफॉर्मेशन होती थी तो हम लोग को टीवी के ऊपर डिपेंड करता था, जो न्यूज एंकर बोल रहे हैं वही सच, जो जो मूवीज वहां पे दिखा रहे हैं वही हमारे पास इंटरनेट में, कोई दूसरा सोर्स था ही नहीं। बट जैसे ही इंटरनेट हुआ वैसे ही ये इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गया। डेमोक्रेटाइज होने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे लोग, हर कोई भी न्यूज एंकर बन सकता है आज के डेट में, राइट? और कोई भी एक्टर बन सकता है। और आप अग्री भी करोगे मेरे से कि आज यूट्यूब पे एक से एक आर्टिस्ट, एक से एक एक्टर, एक से एक कलाकार, जैसे कि बीबी के वाइंस ले लो आप, या फिर मोस्टली सेन ले लो, और एक से एक यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे अपने अपने कला को दिखा के, अपने टैलेंट को दिखा के अच्छा खासा पैसे कमाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। बट अगर यूट्यूब आज नहीं होता, या फिर मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक भी देख लो, फेसबुक पे भी एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, एक से एक लोग आते हैं फेसबुक पे, उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। ट्विटर की बात ले लो, या फिर स्पॉटिफाई की बात ले लो जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, या फिर काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसने लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ऐसे टैलेंट्स को, कि उनको सिर्फ अब टीवी और न्यूज चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आज काफ़ी लोग जो बॉलीवुड के पार्ट नहीं है वो भी अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं और अपना टैलेंट लोगों को दिखा पाते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो हुआ क्या कि ये डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी किसकी? एंटरटेनमेंट की। डेमोक्रेसी किसकी? न्यूज़ की। डेमोक्रेसी किसकी? टैलेंट की, राइट? तो आज कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और यही इंटरनेट ने किया। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन की डेमोक्रेसी ला दी, करेक्ट? आज तो माहौल ये है कि इतना डेमोक्रेसी बढ़ गया है इंफॉर्मेशन की, कि लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चैलेंज करते हैं और उनको क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये न्यूज़ चैनल पे सब इन्फॉर्मेशन गलत दिखा रहा है। हम लोग के जो अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे, वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ मीडिया कुछ भी दिखा रहा है। तो आज काफ़ी लोग न्यूज़ मीडिया को क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये न्यूज़ मीडिया सही नहीं है। आज लोग कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि वो बॉलीवुड मूवीज़ को उतना भाव नहीं देते जितना कि यूट्यूब चैनल्स पे भाव देते हैं, जो जितना उनको एंटरटेनमेंट कॉमेडी चैनल्स करते हैं यूट्यूब पे, उतना मेन जो सोर्स है टेलीविजन, जो बॉलीवुड है, उतना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट पाते हैं, और एट द सेम टाइम अगर आप जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, आज लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो हैं, ट्रेडिशनल कंपनीज जो हैं, उनको बीट कर रही हैं डिजिटल कंपनीज और इन्फॉर्मेशन कंपनीज। फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल एक इन्फॉर्मेशन कंपनी है, राइट? गूगल एक इन्फॉर्मेशन कंपनी है। तो ये जो कंपनीज है जो फिजिकल कंपनीज को भी बीट कर रहे हैं, करेक्ट?
ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ। इंटरनेट ने क्या किया? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर इजी कर दिया, राइट? सो इन सिंपल भाषा अगर बताना है कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यही किया है, करेक्ट। अब हम लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन इज इंटरनेट 2.0, और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि वैल्यू ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ वैल्यू क्या है? वैल्यू कुछ भी जो आपको वर्थी लगे, राइट? आप किस पे पैसे स्पेंड करते हो जो जिसमें आपको वैल्यू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी जाके देखी, तो आपने क्यों देखी, आपने क्यों खर्चा किया? क्योंकि आपको वैल्यू मिला। क्या मिला? एंटरटेनमेंट मिला। आपने कोई फोन लिया, क्यों लिया? क्योंकि शायद वो फोन वैल्यूएबल आपके लिए, आपके यूज केस में आता है, राइट? तो लोग तभी किसी चीज पे पैसा खर्चा करते हैं जब वो वर्दी हो, जब उसमें कुछ भी वैल्यू मिलता हो, राइट? नाउ अभी तक जो भी वैल्यू है, शायद वो टैलेंट है या फिर कोई सबका मेजरमेंट कैसे होता है? मनी के थ्रू होता है। वैल्यू को पहले मनी में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज पेपर मनी, राइट? तब हम बोलते हैं कि वो कि इसकी 100 रुपीज का है, या कोई चीज 1000 रुपीज का है। बेसिकली कहने का मतलब, कोई चीज सामान में बोलते हैं नहीं, ये महंगा वाला है और ये सस्ता वाला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शायद जो महंगी वाली चीज है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, उसमें ज्यादा सर्विसेज आपको मिलेंगे, उसमें ज्यादा फायदे मिलेंगे, राइट? बट उसका वैल्यूएशन किस में होता है? पेपर में होता है, करेक्ट। और पेपर ट्रैवल कैसा करता है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो डेफिनेटली कॉमेंट में डाल देना, मैं उसको और ईजी करने की कोशिश करूंगा। इन सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो जितने भी वैल्यूज होते हैं उसका ट्रांजेक्शन होता है मनी में, फिएट मनी में, और फिएट मनी से लोग ट्रेड करते हैं, राइट? सो यही होता है यहाँ पे। और फिर फिएट मनी कैरियर, मतलब फिएट मनी अपने आप में तो ट्रैवल कर नहीं सकता, क्योंकि ये पेपर नोट है तो अपने आप में ट्रैवल कर ही नहीं सकता। तो इसको एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको? पेपाल, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, पेटीएम हो गया, राइट? क्योंकि जो पेपर मनी है अपने आप ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको एक कैरियर की जरूरत है। और यहीं पे ये सब काम में आते हैं बैंकिंग सिस्टम, वीजा, मास्टर कार्ड, जहां पे वो आपको बोलते हैं कि हम आपका ट्रांजैक्शन करवाएंगे और बदले में आपसे लेंगे फीस, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट्स हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है, राइट? नाउ अब हो क्या रहा है कि जैसे कि जिसमें मैंने बताया कि इंटरनेट जो था ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन था, ब्लॉकचेन जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, करेक्ट। अब वैल्यूज को टोकनाइज किया जा रहा है, मतलब एक क्रिप्टो एसेट्स में, और ये जस्ट एग्जांपल है। इसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आइकन देखोगे, ये सिर्फ तुमने एग्जांपल के लिए लिया है, करेक्ट। तो ये जो वैल्यूज हैं अब इनको टोकनाइज किया जा रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे बिटकॉइन हो गया, इसमें वैल्यू है। क्या वैल्यू है? फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विदाउट इंटरमीडियरीज कोई भी किसी को पेमेंट कर पा रहा है, विदाउट एनी बैंक, राइट? फॉर एग्जाम्पल तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, राइट? सो बेसिकली अब ये जो वैल्यूएशन है ये खुद अपने आप में ट्रैवल कर सकता है, जबकि पहले ये वैल्यू अपने आप में ट्रांसफर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वैल्यू को पहले मनी में कन्वर्ट होना चाहिए था और फिर वो मनी ट्रैवल करेगी पेपाल, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा के थ्रू। बट ये जो वैल्यू है ये खुद अपने आप में ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल steemit.com, राइट? अगर steemit पे आपने अच्छा आर्टिकल क्रिएट किया, लोगों को वैल्यूएबल लगा, लोगों को हेल्प मिली, उन्होंने लाइक किया, तो आपको steemit डॉलर मिलता है और steemit डॉलर खुद ट्रैवल कर सकता है। steemit डॉलर को ट्रैवल करने के लिए या फिर पे करने के लिए आपको वीजा, मास्टर कार्ड जरूरत नहीं, राइट? steemit आप खुद पे कर सकते हो किसी को फ्रॉम वॉलेट टू अदर वॉलेट, राइट? सो वैल्यू अब टोकनाइज हो रहा है। वैल्यू खुद अभी तक इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर पा रही थी, बट अब वैल्यू भी ट्रेवल कर पा रहा है। और इसीलिए आगे जाके हम लोग सिर्फ एक क्रिप्टो पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग सिर्फ एक सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ यूट्यूब यूज नहीं करते, हम सिर्फ फेसबुक यूज नहीं करते, हम सारे यूज करते हैं, क्योंकि चारों का अलग अलग, सबका अलग अलग यूज केसेस है। वैसे ही आगे जाके बहुत सारे ऐसे वैल्यू क्रिएशन होगा और सबका अपना अलग अलग यूज केस होगा और सारे के सारे टोकन्स यूज किए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, उनका वैल्यूएशन डिपेंड करेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना वो वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। हो सकता है ऐसे कुछ कॉइन्स हो जो कुछ वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पाए, जो लोग यूज ही ना करें, तो वो भी
हो सकता है, जैसे .com के साथ हुआ वैसे क्रिप्टो के साथ भी होगा, बट इट इज फॉर श्योर 100% कि सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं होने वाला है, बहुत सारे क्रिप्टो होंगे, क्योंकि हर एक क्रिप्टो का अलग अलग वैल्यू होता है, राइट? नाउ और एक क्वेश्चन होता है, तो अब हो क्या रहा है कि लोग जैसे ये क्रिप्टो आया, और आई एम श्योर आप अग्री करोगे, लोग फियट सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं, जैसे बिटकॉइन आया लोग फियट सिस्टम को कैप्चर कर क्वेश्चन करते हैं कि यार फियट सिस्टम का सप्लाई कौन कंट्रोल करता है, कैसे होता है, लोग क्वेश्चन करते हैं बैंकिंग सिस्टम को कि यार ये बैंकिंग सिस्टम इतना फ्रॉड कैसे कर रहा है, ये बैंकिंग सिस्टम लोगों का पैसा कलेक्ट कर रहा है उसको यूज़ कैसे कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम लेजर गलत क्यों दिखा रहा है, यू नो, तो अब लोग बैंकिंग सिस्टम चैलेंज कर रहे हैं, और लोग चैलेंज कर रहे हैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को भी कि यू नो गूगल किसका डेटा किसको बेच रहा है, फेसबुक किसका डेटा किसको बेच रहा है, तो अब ये सब क्यों लोगों को ये दिमाग में जा रहा है कि यार क्वेश्चन करें, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव है, यू नो, पहले किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था, जब टीवी का जमाना था तो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करता था, बट जब इंटरनेट आया तब न्यूज चैनल्स वालों को लोग क्वेश्चन करने लगे, करेक्ट? तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है फ्यूचर में जाके, जहाँ पे क्रिप्टो मेरे ख्याल से क्रिप्टो मेन स्ट्रीम हो जाएगा, जहाँ पे हर एक वैल्यू टोकनाइज हो जाएगी, और इसीलिए मैंने जो फाइनल स्लाइड में लिखा है कि टोकनाइजेशन इज द न्यू मोनेटाइजेशन, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू को शायद कन्वर्ट ना करना पड़े और फियट में, क्योंकि वैल्यू खुद एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाए, आज एक्सचेंजेस पे आप बिटकॉइन लाइटकॉइन से कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मोनेरो बिटकॉइन से कन्वर्ट कर सकते हो, या स्टीम डॉलर बिटकॉइन से कन्वर्ट कर सकते हो सकता है, तो आगे जाके ऐसा होगा कि जितने भी वैल्यूज हैं वो सब टोकनाइज किए जाएंगे, और फिर वो टोकन्स वो सब कॉइन्स वो सब क्रिप्टोज जो हैं एक्सचेंजेस पे ट्रेड किए जाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। तो आई एम श्योर, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक टू सम इट अप, जस्ट लाइक हम लोग के पास आज बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं यूज़ करने के लिए, वैसे ही हमारे पास बहुत सारी फ्यूचर क्रिप्टो मनी होगी, एक टाइप की मनी नहीं होगी, सिर्फ बिटकॉइन नहीं होगा, बट अलग अलग टाइप की मनी होगी, इथेरियम एंड ऑल दैट। सो ये फ्यूचर लग रहा है मुझे, आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली बताना, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो ये मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इंटरनेट ने आया था उस दिन हमको नहीं पता था कि हम लोग के पास इतने सारे न्यूज़ सोर्सेज होंगे जितना आज है। आज कोई भी न्यूज़ एंकर बन सकता है, आई थिंक यू कैन कॉल इट लाइक डेमोक्रेसी ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, जैसे इंफॉर्मेशन में डेमोक्रेसी आ गई, तो कहीं ना कहीं ये चेंज मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। और जैसे मैंने बताया, हम अभी भी बहुत अर्ली हैं, जैसे इंटरनेट को कुछ 10 से 15 साल 20 साल लगा यहाँ तक पहुँचने में, मेरे को लगता है ब्लॉकचेन को उतना टाइम नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट 5 to 10 years आई थिंक मुझे लगेगा, जब हम लोग बिल्कुल क्रिप्टो एकदम मेन स्ट्रीम हो सकता है। तो अपने कॉमेंट डिफरेंट डाल देना कॉमेंट बॉक्स में, लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो के बारे में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।